समझा यार, समझा इसको। स्कूटी पे जा भाई, अपना काम कर, ले जा इसको, ले जा। चल 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 चल, मैं प्यार से समझा रहा हूँ। धक्का क्या, उठा के फेंक दूंगा मैं, लड़ूंगा। आजा आजा, क्या कर लेगा, आजा क्या कर लेगा, क्या करेगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग, दिस इज़ योर फ्रेंड इंदर। तो भाई वेलकम टू माय चैनल सिंपली इंदर। और क्या हाल चाल आप सबके। ये भी मैंने रिसेंटली एज यू नो मदर्स डे पे फूड डिस्ट्रीब्यूट करा और आई फेल्ट रियली नाइस, जिसमें मेरे फ्रेंड ने हेल्प करी थी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो आज का क्या सीन है यार, आज मेरे को जाना है बाइक में पेट्रोल डलवाने और बाइक का एक राउंड लेने, ताकि बाइक अपनी मेंटेन रहे। तो मैंने कहा इसी बहाने व्लॉग भी बना लेंगे, पेट्रोल भी भरा लेंगे और आपसे थोड़ी बातें भी कर लेंगे। तो भाई कवर मैंने उतार दिया बाइक से, पहले गेट खोलते हैं और फिर बाइक को स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़ा व्रूम व्रूम करते हैं। मास्क मैंने पहन लिए और अब करेंगे बाइक को स्टार्ट। वो अमेजिंग फील लेंगे जो बाइक पे ही आती है, खासकर स्पोर्ट्स बाइक पे भाई। सो लेट्स डू द कोल्ड स्टार्ट नाउ। थोड़े शीशे सेट कर लें, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो देते हैं कुछ सेकंड यहाँ पे, थोड़ी बाइक गर्म हो जाए, इंजन गर्म हो जाए, फिर वी विल रोल। अभी वैसे टाइम हो रहा है 5:40, क्योंकि ये फ़ायदा है कि रात लेट होती है तो यू गेट लॉट ऑफ टाइम दिन में। और जो मेरा वाइज़र है ना यार, ये टिंटेड है, एज यू कैन सी, अगर दिख रहा होगा क्रोम कलर है वाइज़र का, तो ये रात में दिक्कत देता है, इसलिए दिन में ही सही चलती है बाइक। चलो यार धीरे धीरे चला लेंगे, यहाँ से निकलते हैं। और यार कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे ये कौन सी बाइक है, सो भाई दिस इज़ होंडा CBR 650F। ये इनलाइन फोर इंजन की बाइक है भाई, जो भी स्पोर्ट्स बाइक होती है उसमें इनलाइन फोर इंजन होता है और इसकी आवाज़ बहुत सही आती है। सो दिस इज़ अ 650cc बाइक। जैसे अगर मैं बात करूँ हायाबुसा की, उसका भी इनलाइन फोर इंजन है पर वो 1300cc की बाइक है। और R1 ले लो या आप हायाबुसा, मैंने बता दिया, ZX10R ले लो, ये सारी इनलाइन फोर इंजन की बाइक्स हैं। और इनलाइन फोर में अगर आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा दो, जैसे कि मैंने लगा रखा है, आवाज़ बहुत ही अमेजिंग आती है। पर यहाँ पे आवाज़ ज़्यादा आपको सुना नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है। अरे छोटा सा बीगल जा रहा है राइट साइड, कितना क्यूट है ना। तो भाई आप सबसे ना एक बात शेयर करनी थी और आपका ओपिनियन लेना था, तो मुझे ज़रूर बताना। तो सीन कुछ ऐसा, और ये सीन ना बहुत लोगों के साथ होता भी है। तो मेरा एक दोस्त है, उसने समझो मेरे से कैमरा लिया मेरा, और उससे वो कैमरा गिर गया और टूट गया, ठीक है। और उसमें प्रॉब्लम ऐसे आ गई कि वो कैमरा ना रिपेयर नहीं हो सकता। उस कैमरे की सेकंड वैल्यू अगर हम लेते हैं तो लगती है 40,000 रुपये। तो मेरे फ्रेंड ने पहले बताया नहीं, इनिशियली जब तोड़ा मैंने पूछा भाई कैमरा, तो उसने बोला भाई कि ऐसे ऐसे ख़राब हो गए है। मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, मेरे नेचर में नहीं, मैं कहा ठीक है भाई ये तो तेरे को लेके देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, नुकसान कर रहा है। कह रहा ठीक है। लकीली वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज सेलिंग द सेम कैमरा, तो समझो 40,000 में मिल गया हमको।
अब मेरे दोस्त ने बड़ी देर बाद जाके मेरे को 10,000 रुपये दिए कि भाई आप इनिशियल अमाउंट मतलब दोस्त को अपना कैमरा उठा लो। अब उस बात को भाई 3 महीने हो गए, मेरा जो दोस्त है वो पैसे नहीं दे रहा और जिससे मैंने कैमरा लिया है उसके मेरे को फ़ोन आ रहा है कि भाई 10,000 दे दिए बाकी 30 तो दे। अब मैं बीच में फंस गया हूँ। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे बताओ, कि बंदा गोली पे गोली दे रहा है जबकि मैं वेट भी कर रहा हूँ, मैंने पेशेंस भी दिखाई, तो ऐसे में क्या करोगे? आप बीच में फंस गए हो, एक से आपको 30,000 लेने हैं, दूसरे को देने हैं, व्हाट विल यू डू गाइस? मेरे को प्लीज़ बताओ, मेरा तो दिमाग बहुत घूम चुका है। अंकल जी आ रहे फुल ऑन रॉन्ग साइड, कोई दिक्कत नहीं, हेयर वी आर वेलकम टू इंडिया। तो भाई ज़रूर बताओ प्लीज़। तो भाई ये वाली रोड है जहाँ पे हम आवाज़ टेस्ट कर सकते हैं, दिखाता हूँ आपको थोड़ी सी। अरे भाई पुलिस वाले बैठे हुए थे यहाँ से भाई यू टर्न लेते हैं, थोड़ी खतरे वाली घंटी है। अच्छा ये वो पुलिस वाले हैं जो कोरोना का करते हैं। आवाज़ देख रहे हो, पैस की आँख। यहाँ पे थोड़ा मज़ा आता है मतलब आवाज़ सुनने का ना। थोड़ी आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। एक बस यही सड़क है और अपनी सुभाष की सड़क है जिसपे मैं थोड़ा टेस्ट करता हूँ। एक बार आपको रोक के थोड़ा वो बंदे देख रहे हैं भाई क्या हो गया। कुत्ते ओए किया, कुत्ते पीछे पड़ रहे हैं क्या कर रहे हैं यहाँ से लेफ्ट चलेंगे अपने घर को, बस यहाँ नहीं भगा सकते, वन वे कर रखा है। यार यहाँ पे ना गाय भैंसे होते हैं, भैंस की आँख में डर लगता है। हाँ यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ। हाँ भाई क्या हो गया, बाइक है थोड़ी आवाज करते हैं, क्या हो गया? धीरे तो चला रहा हूँ। धीरे तो चला रहा हूँ, क्या हो गया? तीन चार बारी तेज कर रहे हो यार, डरा रहे हो यार गाड़ी में आगे। तो भाई थोड़ा चेक कर रहा था बाइक को वैसे ही। क्या करना, रोड पे थोड़ी चेक करोगे आप, कहीं और भी करो। तेज आवाज आ रही बहुत जोर की। तेज क्या, स्पोर्ट्स बाइक है भाई, इसकी आवाज ऐसी होती है। वो तो ठीक है, कहने मतलब आप ध्यान से चलाओ ना, कहने तेज ही चला जा रहे हो आप तो। इतनी आवाज होती है भाई इसकी? भाई साहब आवाज होती है मानते हैं, हमारी गाड़ी की भी तो आवाज है भाई। शायद तेरे को नॉलेज नहीं है, देखो स्कूटी उसकी आवाज नहीं होगी, इसकी बाइक है, इसमें एग्जॉस्ट है, आवाज होगी इसमें। साइलेंसर चेंज कराओ ना, तेरे कहने में थोड़ा चेंज कराऊंगा यार, सबने चलाते हैं, सारे लगाते हैं, समझ नहीं आ रही है तेरे को। तो भाई देख इसका एग्जॉस्ट ऐसे होता है, बाइक ऐसी आती है कंपनी से, तो आती है तो भाई देख के तो भाई थोड़ा तमीज से तो चला रहा हूँ, क्या हो गया? अभी मैंने देखा, कट मारा आपने। हाँ मैंने हल्की सी आवाज निकाली थी, बस आवाज सुन रहा था इसकी, चेक कर रहा था क्या हो गया उसमें। चेक करनी है थोड़ा साइड में करो ना यार, आप तो डरा भी रहे हो ऊपर से, तुमको पता है धक्का गिर गिरा जाता मैं अभी। नहीं गिरते भाई, कैसे गिरते तुँ? कैसे धक्का मारता मैं, कैसे धक्का मारता बताओ मेरे को। तो भाई धक्का तो देना मतलब तेज कर रहा था। हाँ हाँ तो जब भी तुमने करा, तेरी गलतफहमी है, देखो भाई कोई और बाइक होगी, मेरी बाइक में हल्की सी आवाज निकाली, उसके अलावा कुछ नहीं करा मैंने। अरे भाई तू नहीं करा, अरे समझा भाई। अरे ऐसे मैं थप्पड़ थप्पड़ पड़ गया ना फिर काम खराब हो जाएगा। थप्पड़ मारेगा, देख भाई घर जा तू। भाई इसको समझा ले जा, अरे भाई मैं सीन नहीं करना चाहता यहाँ पे। अरे भाई तेरे को पता है हमारा इलाका, समझा यार समझा इसको, स्कूटी पे जा भाई अपना काम कर, ले जा इसको ले जा, चल 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 चल। मैं प्यार से समझा रहा हूँ, धक्का क्या उठा के फेंक दूंगा, मैं लड़ूंगा। आ जा क्या कर लेगा, आजा क्या कर लेगा, क्या करेगा बोल, भैंस क्या कर लेगा। मैं प्यार से समझा रहा हूँ भाई, समझा ले इसको भाई, तेरे को समझा तो दिए, तो समझा तो रहा यार। जब वो भी अगला कह रहा है कि शांत हो जा, तू भी शांत हो जा भाई, नाटक का भी जा रहा नहीं जा रहा, शांति से जाओ, कोई फायदा नहीं लड़ने का भाई।
जा भैया कोई बात नहीं, जाना की जाए। अरे फालतू में रोक लिया यार बाइक, भैंस की आंख। यहाँ से तो चलो भाई, कोई फायदा नहीं है। अभी भी बुला रहे कि वहाँ आ जा वहाँ आ जा, मैंने कहा भाई मैं घर ही जा रहा हूँ छोड़, कोई फायदा नहीं है, बंदे इकट्ठे हो गए हैं। उसकी ना हालत टाइट हो गई थी जब मैंने धक्का दिया ना उसको, उसकी हालत वैसे ही टाइट हो गई थी। क्योंकि पता होता क्या है, एक सच बताता हूँ, जब आपकी लड़ाई होती है ना और आप धक्का मार दो पहले, तो अगले वाले की वैसे ही हालत टाइट हो जाती है, ये हमेशा याद रखना। मैंने धक्का इसलिए मारा था कि वो हटी नहीं रहा था और फालतू बोल रहा था, और धक्का मारने के बाद जब बंदा समझ जाए तुम अपने आप पीछे हो जाओ, और पीछे होके अपना निकल जाओ भाई, वही सही है। फालतू में मूड ख़राब करते हैं, क्या हो गया? लेकिन मैंने बाइक की आवाज़ तो निकाली थी, विच इज़ नॉर्मल यार। अब भाई कोई स्पोर्ट्स बाइक ले रहा है, स्पोर्ट्स कार ले रहा है, आवाज़ तो निकलेगी ना हल्की बहुत, गूंगी बाइक तो मिलेगा नहीं। जो बंदे चैनल पे नए हैं वो मेरी ना मदर्स डे वाली वीडियो ज़रूर देखना। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बता तो हुआ क्या था, मैंने थोड़ा शुरू करा है कि यार जो होमलेस बंदे हैं उनको हम खाना दें, खुद से ही शुरू करा। मेरा फ्रेंड है विवियन, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसने मेरे को पैसे भेजे ऑस्ट्रेलिया से कि भाई तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ टुवर्ड्स दिस कॉज। तो उसने पैसे भेजे हैं, और मदर्स डे पे जो संडे था, लास्ट संडे निकला है, उस पे हमने स्पेशली मदर्स को या लेडीज़ को टारगेट करा है, और हमने आटा चावल ऐसी चीज़ें दी हैं। तो वीडियो ज़रूर देखना, वो वीडियो मोटिवेट करने के लिए आप सबको। उसके अलावा भाई मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है और ऐसे घूमना फिरना पसंद है, समझ लो सिंपल सोबर बंदे, इसलिए मेरे चैनल का नाम है सिंपली इंदर। यार कहीं पे भी खड़ी कर देते हैं, और मेरे को बड़ी खुंदक आती है इस चीज़ पे भाई। देखो इसी पे लड़ाई होती है, कुछ पूछते हो ना क्यों लड़ाई होती है, इसको अगर मैं सुना दूंगा और भैंस शुरू हो जाएगी, और मैंने गोप्रो लगा रखा है पर अभी मेरा मूड नहीं है भैंस करने का, इसलिए छोड़ो। इसी नोट पे भाई अपना घर आ गए हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और ये हमारा शेरू कुत्ता है, जिनको नहीं पता भाई मैं डॉग लवर भी हूँ। शेरू अभी सीधा मेरे घर के बाहर जाएगा, वो सामने घर है मेरा। ये शेरू आ गया।